कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी पर डिस्कस करने वाले, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन तय है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सोच लो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बेहतर चैप्टर है, ठीक है? इस चैप्टर में सब कुछ तो ध्यान में रखना ही है आपको, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे रिलेटेड जितना भी मैंने कुछ समझाया है आपको, उसको कम से कम ध्यान में रख ही लेना, ठीक है? जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ईयर दिख रहा होगा। हाँ जी, ये आपका 2020-21 में, 2016 में। अभी अलार्म नहीं बजने का। यहाँ ध्यान दोगे, ये आपका 2020 में, ये आपका 2015 में। इस प्रकार ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, और भी ईयर में पूछा गया होगा, वो आप देख लेना। मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये समझाने वाला। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग काफी कुछ सीखे थे। इसमें हम लोग इसका जो है जनरल फॉर्म सीखे थे। आप मुझे बताओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म क्या होता? वैसे हम लोग जनरल फॉर्म वहां पर जो है पॉलिनोमियल का सीखे थे, लिनियर पॉलिनोमियल का सीखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म सीख लिए थे। आपको सिर्फ यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताना है। तो आप बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये तो बहुत ही आसान है, हमको सिर्फ पावर 2 लेना है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर, इसके आगे में ए लगा दिए, प्लस एक्स इसके आगे में बी लगा दिए, प्लस सी इसके आगे में कछु ना लगाएंगे, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी क्वाड्रेटिक, चाहे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे या लिनियर पॉलिनोमियल रहे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहे, इसमें हम लोग जीरोज निकालना सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे? जीरोज निकालना सीखे थे। इसी जीरोज को हम लोग रूट्स कहा करते थे। जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, दोनों एक ही बात है। जैसे कि हमारे सामने लिनियर इक्वेशन का कोई एक सवाल आ जाए, जैसे कि 7x+3, हमको बताना है इसका जीरोज क्या होगा। सिंपल सा, इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, और जो रिजल्ट निकल जाएगा एक्स का, वो हमारा जीरोज हो जाएगा। क्या याद आया कुछ? यहां से हम लोग एक्स को जैसे ही अकेला करेंगे, हम लोग का रिजल्ट आ गया -3/7। ये -3/7 और कछु ना, ये हमारा जीरोज है। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछता, इसलिए ध्यान में रखना, या सारी मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ax+3, ये इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका जो जीरोज है वो जीरोज क्या है, -3/7 इसका जीरोज दिया हुआ। तो तुरंत आप बोलोगे भैया आप जानते हैं एक बात, जो भी जीरोज होता उसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे ना, जीरोज मतलब क्या हुआ, उसको जीरो कर देना, अर्थात ये -3/7 इस इक्वेशन को मतलब इस पॉलिनोमियल को खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। आपको विश्वास नहीं होता? हाँ, पुट करके देख लो ना, इसमें एक्स का मान जो है -3/7 पुट करो, यहाँ क्या है 7x+3, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जैसे ही -3/7 पुट करेंगे तो हमारा ये टर्न पूरा का पूरा जीरो होने वाला, बिकॉज इसका जीरो जी निकल चुका है। अभी तुरंत हम लोग निकाले और हम लोग जान गए हैं कि जो भी जीरोज होता या फिर रूट्स होता, उसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो उसको पूरा खत्म कर देता, टाटा बाय बाय, अर्थात उसको भी जीरो बना देता। ये तो पता है आपको ना, अभी तुरंत हम लोग देखे, अर्थात अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे और एक जीरोज दिया हुआ रहे और आपसे पूछा जाए बताइएगा ए का वैल्यू क्या होगा, फाइंड ए का वैल्यू क्या ही होगा, तो आप बोलिए, आपको बोलना है भैया यहाँ पर जीरोज क्या है, -3/7 है ना, अर्थात इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वेरिएबल के जगह पर तो ये इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। अच्छी बात है, यही आपसे मुझे उम्मीद भी था, ठीक है? बिल्कुल आपसे यही उम्मीद था हमें, आप मेरी बातों को समझोगे जानोगे, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं आपको प्रूफ देता हूँ कैसे -3/7 को इस x के जगह पर रखने पर ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाता। देखो ये इससे कैंसिल, यहाँ पर आपका क्या हो गया, -3 हो गया, यहाँ +3 पहले से है, ये आपका जीरो हो गया ना। मैंने अभी तुरंत कहा था जो भी आपका जीरोज रहेगा या रूट्स रहेगा उसको अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x का मान, तो वो उसका वैल्यू जीरो ही आएगा। चलो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सिर्फ आप क्वेश्चन को सुनना। एक हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax+3 और हमको रूट्स दिया हुआ अर्थात जीरोज दिया हुआ और हमसे पूछा गया है ए का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा आपको बोलना है भैया जानते हैं आप, ये जो हमको यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया हुआ, भैया जी जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो ax+3 है। आपकी इच्छा ये नहीं लिखने का तो आप मत लिखो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं जैसे ही
इस पूरे टर्म में x का मान पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना, वी नो डेट हम जानते हैं कि, अच्छा छोड़ो ना, इतना क्या ही लिखना, आप जानते हो तो आप जानते हो, उतना लिखते नहीं ना, सीधा लिखो हियर। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कितना, -3/7 है, अर्थात इसका जो एक रूट्स है, एक जीरोज है, वो मेरा -3/7 है। अर्थात जैसे ही x का मान ये हम पुट करेंगे, a गुना जैसे x का मान हम -3/7 पुट करेंगे, ये वैल्यू मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये जीरोज दिया हुआ है। मेरी बातें समझ रहे हो ना? और यहां से इसको सॉल्व करके हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप ये वैल्यू नहीं दिख रहा क्या, नीचे नहीं दिख रहा ना, अरे दिख रहा है, चलो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, इसको आप निकाल के दिखाओगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, वो आपको बनाना है, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ध्यान से बनाओगे तो। ये तो सिर्फ लिनियर इक्वेशन का था, इसी पे आपका क्वाड्रेटिक, समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आधारित क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लिनियर पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए क्वेश्चन बना लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बी एक्स, अच्छा रखा उसको, यहाँ पर है आपका पी एक्स माइनस, अच्छा रुको, +6, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ और इसका जीरोज दिया हुआ है या रूट्स दिया हुआ है, कितना रूट्स दिया हुआ, इसका रूट्स दिया हुआ है मेरे प्यारे भैया, हाँ इसका रूट्स दिया हुआ -3, ठीक है। आपको बताना है पी का मान क्या होगा, ये बताओगे, इसको बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको खुद से बनाना है और दिखाना है, भैया देखिए सही बना है या फिर गलत बना है, भैया आप ही चेक कीजिए, ठीक है। अगर गलत बना होगा मैं उस वक्त समझा दूंगा आपको, आप परेशान ना होना। मतलब हम लोग जो है ये सब कुछ सीख चुके थे, किस प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा, उसमें किस प्रकार से हम लोग जीरोज निकालते ना, जीरोज किस प्रकार निकालते, जैसे मान लो लिनियर इक्वेशन में, अभी हम लिनियर इक्वेशन का देख लेते हैं। लिनियर इक्वेशन में अगर कोई हमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें हमको जीरोज निकालना होगा। अभी तुरंत हम लोग देखे थे जीरोज किस प्रकार निकालते, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 7x-6, अच्छा -7 ये दिया हुआ है, इसमें बोला जाएगा इसका जीरोज निकालिए, फिर से हम इसको जीरोज के मतलब जीरो के बराबर कर देंगे। भैया ये तो हमें पता था, बस आपको समझना है, रटना कुछ नहीं है, मैंने कहा जीरोज निकालना, आपको सिंपल था इसको जीरो के बराबर किए देना है, और वहां से जो भी एक्स का मान निकलेगा वो एक्स का मान आपका क्या होगा, यही आपका वैल्यू रूट्स कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। मेरे बात को समझो, किस प्रकार से हम लोग जीरोज और रूट्स निकाला करते थे, इसी को मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में किस प्रकार निकालते थे वो एक बार रिवीजन किए लेंगे, आप परेशान ना हो। जीरोज निकालने के बाद, रूट्स निकालने के बाद हम लोग ये देखे थे कि उसी जीरोज और रूट्स का प्यारा प्यारा अनोखा नाम रखे थे, जिसको हम लोग कहते अल्फा और बीटा। हाँ जी, देखोगे यहाँ पर जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके सामने दिया हुआ है, आपको उसका जीरोज बताना है, जीरोज क्या होगा, बिकॉज हम पहला चीज जीरोज सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, बिल्कुल भैया ये तो सीखे हैं। चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है x2+7x+12, ये आपके सामने जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल प्रकट हो गया। अब ये बताना है इसका x का मतलब इसका जीरोज क्या क्या हो सकता, तो तुरंत बोलोगे भैया रुकिए, आपने सिखाया था जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या ही करते हैं, जीरोज या रूट्स निकालने के लिए हम लोग जो है इस पूरे टर्म को जीरो के बराबर करेंगे, और जो x का मान आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसमें x का मान 2 आने वाला, मतलब दो संख्या नहीं, नंबर ऑफ जीरोज 2 आने वाला है, ठीक है। और दोनों का अपना अलग अलग नाम रखा जाएगा, एक का नाम रख लेंगे हम लोग अल्फा, एक का नाम रख लेंगे हम लोग बीटा। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और बेहतर तरीके से देखे थे, कहीं कोई समस्या ना आया था ना। अब देखो इसको बनाना किस प्रकार है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ 1 है यहाँ, अरे आप खुद से बनाओगे, मेरा मतलब आपको मेरा सॉल्यूशन क्यों ही देखना, आपको इसको एक बार फिर से खुद से बनाने का प्रयास करना है, पहले बनाओ तो खुद से और बाद में आपको फिर मिलाना है। हाँ जी भैया आप सही बना है, मतलब आपको अब जांचना है भैया सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मतलब आपको पहले खुद से बना करके तब भैया को बताना, हाँ भैया आप सही बनाए कि ना बनाए, तब आपको सिर्फ मिलाना है, ओके। जल्दी पहले खुद से बनाओगे, बन गया होगा। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, 12 और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भैया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 × 12 कितना होता, 12 होता, तो कहीं पर 12 लिख लो, और 12 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बिकॉज हमें पता है ना क्या करते, बीच में टर्म क्या है 7x, इधर टर्म क्या है 12, ठीक है, 12 और x² मल्टीप्लाई करेंगे 12x² हो जाएगा,
इसको हम लोग 7x को दो टर्म में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे दिमाग का खेल है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। ये हमारे सामने इक्वेशन था, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखो जीरो के लिए फंडा क्या क्या होता है। नाउ इसको जीरो के बराबर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। जैसे इक्वल टू आएगा समझो, उसको हम लोग अब इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू साइन जहां आएगा इक्वल टू इक्वेशन। सिमिलर नाम नहीं लग रहा आपको, आपके दिमाग में ये आ जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है, अपने आप को पहले शांत कर लो। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना। अब इसमें से ये 7x को रफ में लिख लिया जगह, ये 12 गुना एक्स स्क्वायर को, 12 एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख लिया। अब आपको खुद सोचना होगा कि 7x को हम दो टर्म में किस प्रकार लिखेंगे कि ये मेरा जोड़ने पर तो 7x हो जाए, लेकिन गुना करने पर ये हमारा 12x स्क्वायर हो। ये आपको खुद सोचना है, आप ही सोचो इस चीज को। तो आप बोलोगे भैया क्या ही बोल दिए, इसको जोड़ने पर इतना, गुना करने पर इतना, कैसे ही होगा। अरे मेरे प्यारे भाई क्यों नहीं होगा, आराम से हम 12 है ना, 12 का अविभाज्य गुणनफल था तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले, 3 × 4 = 12 दिख रहा है यहाँ पे, 4 + 3 = 7 हो रहा। आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको दो टर्म में तोड़ेंगे, 4x और प्लस 3x। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखियो कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 12x स्क्वायर आ जाए, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करने पर मेरा 12x स्क्वायर भी आ जाए, 4 × 12 = x, x स्क्वायर। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी जा करके इस तरह के सवाल को आप बना सकते हो। ऐसे काम ना चलेगा, मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तो ये तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप आसानी से बना सकते हो। दूसरा तरीका है फॉर्मूला का तरीका, और फॉर्मूला हम लोग जो है एक चैप्टर ही पूरा का पूरा इस पर है, शायद चौथा चैप्टर में पूरा का पूरा फॉर्मूले पर डिस्कस होगा। वहां पर आप परेशान मत हो, वो पूरा का पूरा चैप्टर में सिर्फ यही हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना ही सीखेंगे। तो कम से कम ये तरीका तो सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, लेकिन जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ना, फैक्टराइजेशन मेथड, कम से कम इसको अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करो, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से मैं समझाता, इस 7x को लिख लिए, इस 12 गुना एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लिए। अब 7x को हमको दो भाग में तोड़ना था, जिससे कि दोनों को जोड़ने पर मेरा 7x आ जाए। आराम से हम क्या ही करेंगे, यहाँ 12 है ना, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले, मेरा 3 और 4 आ गया। अब आप बोलोगे भैया इसका हम और करें, इसका हम और करें, कोई बात है, 2 × 4 हो गया, 3 और 4। आपको दिमाग लगाना है और दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसी सब का प्रयोग करके, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 3 और 4 जोड़ेंगे तो मेरा 7x हो जाएगा। तो आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं, बोलिएगा आप क्या ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। इस 7x को हम लोग लिख लिए 3x प्लस 4x। वाह भैया यही बात, इतना आसान था। हाँ जी इतना आसान है। अगेन क्या ही करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x है, दोनों से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने अगर नहीं आता है तो पूछ लियो, या नहीं पीटेंगे, पूछ लेना है। इस दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, यहां से x को बाहर निकालो तो काहे बचेगा, यहां पर x बच गया प्लस का प्लस, इससे x बाहर निकाल लिए, यहां पर 3 बच गया। ये बात हुआ, हाँ जी। अब जो x प्लस 3 यहां हुआ उसको हुबहू बिना कुछ जाने पहचाने यहां पर x प्लस 3 लिख देने का, ठीक, जो मतलब जो होगा भैया संभालेंगे। अब देखो यहां पर इसका तो काम खत्म हो गया, अब इसका काम करना है। हाँ जी ये हम लोग सीखे हुए हैं और बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं, शायद ये आपका बन भी चुका होगा। यहाँ देखोगे, अगर मान लो समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो ना, क्या ही दिक्कत है, यहाँ x है ना, x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4x हो जाएगा, तो तुरंत बोलोगे भैया हम प्लस 4 अर्थात 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 4x होगा। हाँ जी बिल्कुल सही। अगेन एक बार हम चेक कर लेते हैं, प्लस 4 गुना x प्लस 4x प्लस गुना प्लस प्लस 4 × 3 = 12, मतलब मेरा बिल्कुल सही हो रहा है, इक्वल टू जीरो तो इक्वल टू जीरो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा भैया, दोनों में ये टर्म और ये टर्म कॉमन दिख रहा, दोनों से इसको कॉमन ले लो। भैया जानते हैं एक बात, हमको कॉमन लेने में बहुत समस्याएं आती है, समस्याएं नहीं आएंगी, ध्यान दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाने वाली। इसमें से x प्लस 3 को बाहर निकाले, बच गया ये x, तो यहाँ पर x लिख लिए प्लस का प्लस, इसमें से x प्लस 3 को बाहर निकाले, बच गया मेरा 4, यहाँ पर हम लोग 4 को लिख लिए, कहीं कोई समस्या, यहाँ देर 4 एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यहां से x का मान निकाले मेरा माइनस 3 हो गया, यहां पर नेक्स्ट हम एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो x का मान मेरा माइनस 4 हो गया, ठीक है, इसी का नामांकन किए थे, ये मेरा जीरो निकल गया, इसी का नामांकन हम कर लिए थे, यहाँ इफ का प्रयोग कर देना अच्छा लगेगा, ठीक है, और इसी का हम लोग नामांकन किए थे, x को हम लोग अल्फा बोले थे,
और एक बार बीटा बोले थे, आपकी इच्छा, आप इसको अल्फा लो या इसको अल्फा लो, वो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या ही करना है, ठीक है। अगेन इसको हम लोग क्या बोले थे, बीटा बोले थे, इसको माइनस फोर अल्फा और बीटा, मतलब कोई भी इक्वेशन हम लोग के सामने रहेगा। आज हम लोग ये जान लिए, समझना, हम हर एक चीज को आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ इसको अपने दिमाग में रखने का प्रयास करो। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा, ठीक है, अगर उसका जीरोज निकालने के लिए कहा जाए या रूट्स निकालने के लिए कहा जाए, तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में दो ही जीरोज निकलने वाला, नंबर ऑफ जीरोज दो होने वाला, जीरोज को ही हम लोग रूट्स कहते हैं, नंबर ऑफ रूट्स मेरा दो होने वाला, एक हम लोग अल्फा निकालेंगे, एक हम लोग का बीटा जिसका नाम अल्फा और बीटा निकल गया। अब इसी पे हम लोग एक रिलेशन जाने थे अल्फा और बीटा के ऊपर, कि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता, बता, याद है, बिल्कुल याद होगा, क्या ही करना, ध्यान से समझोगे, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी पे ये सारा क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था, भैया आप हमको कुछ याद करने के लिए दे और हम याद कर लें, ऐसा नहीं हो सकता भैया। ये देखो मैं दांत लाल कर देने का आपको। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आप बनाओगे तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओगे, ज्यादा नहीं, ठीक, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओगे। चलो तो इसको बना के दिखाओ, तो इसका जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस 18। एक लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छे से बनाना, ठीक है, इसमें आप गलती कर सकते हो। मैंने सिखाया था ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर और 12 का मल्टीप्लाई क्या ही होगा, वो सोच समझ कर आगे बढ़ना, नहीं बनेगा मैं हूं, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है, इसको बनाना, ट्राई करना है, कोशिश करना है, कोशिश करने से क्या ही होता है, जब तक आप खुद से इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखोगे तो मजा नहीं आएगा। कम से कम आपको खुद से इन सारे, कोई भी इक्वेशन आएगा आपको खुद से प्रयास करना, हाँ जी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कुछ टाइप का ही सिर्फ आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बाकी जो सॉल्यूशन नहीं होगा वो आपको मैं जब फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना, उसमें हर एक तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, बस यहाँ आपको ध्यान देना है। चलो ये तो काम कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं, ये बना भी लिए हम लोग। अब हम लोग जो है अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन को जानेंगे, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके दिमाग में जल्दी फिट नहीं होने वाला, इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ाने का, समझ रहे हो ना, हाँ जी। देखो मैंने बताया था वहां पर कि किस प्रकार दो जीरोज को या दो रूट्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है, ये बी और ए दोनों को आपस में डिवाइड करो और माइनस का सिंबल लगा दो, ये मैंने सिखाया था, हाँ जी। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता, ये सी और ए को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे हमारे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूंगा आपको उसमें जो है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज वो निकालना है, तो कैसे निकालोगे वो खुद बताओगे। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें आपसे पूछा गया है बताइए, इसमें फाइंड, इसमें आपको बताना है द सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, दो चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, और एक चीज निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जल्दी से बताओगे दोनों का क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। जैसे आप बोलोगे भैया सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं ना, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अगर इसका दो जीरोज होता है अल्फा और बीटा, दोनों का आपको ऐड ही जानना है ना, हाँ जी, अर्थात सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमको, अर्थात सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, अच्छी बात है। अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकालते, मैंने बताया था जो एक्स का जो भी आपका कोफिशिएंट होगा, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 6 है ना, हाँ जी, माइनस 6 में हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किए दिए, हाँ जी, और बाद में एक और माइनस लगा देंगे, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया, समझ रहे हो। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहा जाए, मतलब अल्फा इंटू बीटा कहा जाए, किस प्रकार निकालोगे, तो क्या ही करना, सिंपल सा जो सी वाला टर्म है, ये 5 और 3 ये आपस में आप डिवाइड कर दोगे, ठीक, 5 और 3 आपस में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल जाएगा। बताओ कहां समस्या था, कहीं कोई समस्या ना था। एक और क्वेश्चन देखोगे और बनाओगे आप, अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ चेंजेज रहता है, जैसे कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब इसका बताओगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या ही होगा, जल्दी बताओगे,
आपको खुद बताना है, बस 5 क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से इस टाइप पर, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बिकॉज इसको अच्छे से सिखाना है आपको, बिकॉज अगर ये नहीं सीखोगे समस्याएं बहुत ज्यादा आने वाली, इसलिए अच्छे ढंग से इसको सीख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सामने है, इसमें हमको सम ऑफ जीरोज बताना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है। जल्दी से इसको बनाओगे, मैं यहाँ पर 4 और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और आप बनाओगे। 3x² - 3x + 10, अगेन x² - 6x - 9, अगेन 4x² + 6x - 6, अगेन 3x² - 7x + 11, एक लास्ट क्वेश्चन 8x² - 1। जल्दी बताओगे इन सब में क्या ही होगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी बताओगे, समझ रहे हो ना? हाँ भैया, हो गया होगा। हाँ जी भैया, कब का मेरा बना हुआ है, जल्दी आप बताइए तो सही, क्या ही होगा क्या नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बताता हूँ ना, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बताऊंगा ना, देखो कैसे क्या ही करना है। पहले इसका बनाते हैं, पहले आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इस तरह आपको टोटल पहले खुद से ट्राई करना है, उस प्रकार उसके बाद जब मैं बताऊंगा ना फिर क्या ही करना, सिर्फ टुकुर टुकुर आपको सारा देखना है और मिलाना है और कचुना करना। मेरे ख्याल से आप सारा क्वेश्चन बना लिए होंगे, अब हम मिलाते हैं, ध्यान से समझना है आपको, अगर कहीं समझ में ना आया होगा तो। यहाँ पर हमको सम ऑफ जीरोज निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या ही करें, सिंपल सा आपको क्या करना है, एक्स का कोफिशियंट क्या है -6 और यहाँ पर 9 है, दोनों को आपस में डिवाइड किए देने का और बाद में एक और माइनस लगा देने का, ये मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा सिंपल सा, 3 और 9 को आपस में डिवाइड कर देने का। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रहे कि ना रहे, कम से कम बनाने का तरीका आपके दिमाग में रहना चाहिए किस प्रकार हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3x² - 3x + 10, क्या ही क्वेश्चन है बताओगे आप? तो भैया क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है 3x² - 3x + 10, अब इसमें देखोगे सम ऑफ जीरोज बताना है, क्या ही करेंगे, सिंपल सा एक्स का कोफिशियंट क्या है -3 और x² का कोफिशियंट 3, दोनों को डिवाइड किया और यहाँ माइनस एक्स्ट्रा लगा दिए, हो गया ना -b/a। हाँ जी, -minus + अर्थात +3, 3 आपस में कट गया, +1 मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अच्छी बात है। अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालेंगे, इस 10 में 3 से डिवाइड कर देंगे, हाँ डिवाइड ही को तो करना है और कहीं करना है, 10/3, ये अल्फा इंटू बीटा हम लोग का निकल चुका है। बताओ क्या ही समस्या था, बहुत आसान सा क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बताओ कौन सा और मिला दे, 2 क्वेश्चन और हम मिलाएंगे। एक ये क्वेश्चन देखो, 4x² + 6x - 6, ये हमारे सामने प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें हमको सम ऑफ जीरोज बताना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है, क्या होगा सम ऑफ जीरोज, भैया जी अल्फा प्लस बीटा ही बताना है ना। हाँ जी, सिंपल सा एक्स का कोफिशियंट क्या है 6 है और x² का कोफिशियंट 4 है, दोनों का हम लोग डिवाइड करने का और अपने मन से एक माइनस सिंबल लगा देने का, अपने मन से माइनस सिंबल लगाना है, इसको ना भूलियो, अगर भूल रहे हो तो फॉर्मूला रटो, ठीक, 2×4 = 6, -3/2, सिंपल सा हो गया। अल्फा इंटू बीटा बताना होगा तो इस -6 में 4 से डिवाइड करने का, तो कांस्टेंट टर्म में हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए। अच्छा जी, इसको सॉल्व किए देते हैं, मेरा फिर से -3/2 ही निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग बनाते, कहीं भी कोई भी समस्या है तो अभी पूछ लो। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो दिक्कत ना हो रहा होगा आपको। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला बताते हैं आपको जिसके लिए आप रुके हुए हो, मुझे पता है वहां पर आपको दिक्कत हो रहा होगा। अरे आपका भैया हूँ मैं, भैया मैं जानता हूँ आपका छोटा सा भैया हूँ ना, मुझे पता है आप कहाँ पे गलती कर सकते हो, क्या गलती कर सकते हो। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर 8x² - 1 आया ना, अब सिंपल सा क्या ही करना है, आप बोलोगे भैया, ओ भैया मेरे प्यारे भैया, इसमें x वाला टर्म ही ना है तो वो जीरो हो गया। हाँ जी, वो जीरो हो गया, हम लोग बोल सकते हैं इसको 8x² + 0 × b - 1, वो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, 0 × b, अरे 0 × x, सॉरी मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो x वाला टर्म, अर्थात b का मान यहाँ पर 0 है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, x का गुणांक 0 है और y का गुणांक 8 -0/8, मतलब 0 हो जाएगा, 0 माइनस प्लस नहीं लगाते, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, मैंने बताया था 0 ना तो माइनस निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं। ओके, यहाँ ध्यान दोगे अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकाले वो बातें आपको अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से एकदम बिंदास तरीके से समझ में आ गई। अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालेंगे, इस -1 में 8 से डिवाइड कर लेंगे, -1/8, आराम से हम लोग का ये रिजल्ट आ चुका है। बताओ क्या ही समस्या है, आराम से हम लोग किस प्रकार अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालते, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब एक बात और, यहीं से आप ये जान चुके हो, समझना मेरी बातों को, समझना
कोई इक्वेशन था जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे सामने एक इक्वेशन था, ठीक। इस इक्वेशन में किस प्रकार से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते और किस प्रकार से हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते उसको सीख लिए। जैसे यहाँ हमको एक इक्वेशन दिया हुआ था, किस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा निकाले और अल्फा इंटू बीटा निकाले वो सीख लिए। और क्वेश्चन पूछा किस प्रकार जाता वो भी समझो। पहला टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताना होगा, ठीक। एक ये प्रकार है क्वेश्चन पूछने का, जैसे हम लोग यहाँ बनाए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, क्या क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, और आपसे ये क्वेश्चन, ये चीज आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता अल्फा इंटू बीटा क्या होता, और आपसे ये पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, तो वहां किस प्रकार से बनाओगे ये सोचो तनिक आप। क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? नहीं ना। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था याद पारो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने का, ये प्यारा सा फॉर्मूला था कि हम लोग किस प्रकार से बताते। तो एक्स स्क्वायर याद पारो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर क्वेश्चन एक ना एक कितना बार पूछा गया है, सारा इसी पर बनने वाला है ये क्वेश्चन, इसमें से तीन नंबर और चार नंबर में कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा जो घुमा के क्वेश्चन पूछता उस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा। एग्जामिनर क्या चाहता है, आपके अंदर कुछ थिंकिंग पावर है या नहीं है, मतलब आप कुछ नया सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, एग्जामिनर वो चेक करना चाहता है। तो कम से कम आप उस सक्षम बनोगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं उसी को आप रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटने वाला काम यहाँ नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होने वाला मैथ में, इस बात को पहले समझ के चलना। हम लोग इस फॉर्मूले को सीखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला हुआ करता था, अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले। जैसे यहाँ पर समझोगे, हम कोई सा हाँ जी कोई सा ले लेते, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ले लेते, और मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बहना आप जो है, हाँ आप हमको ये इक्वेशन बता के बताइए, मतलब इक्वेशन बना के बताइए। देखोगे ये सब मिटाओ ना, जैसे आपके सामने जो है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 6 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये आपको बताना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, आप बोलोगे मेरे भैया हाँ जी ये सब क्वेश्चन आप मुझसे पूछिएगा, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन हमका ये ना बनाना है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे सारा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, एक प्यारा सा फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या ही फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था आपको यहाँ पर निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसको समझ के चलना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फॉर्मूला हुआ करता है, बोलोगे आप यहाँ पर सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिए। हाँ जी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, क्या हमसे नहीं निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अच्छे तरीके से निकलेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखे माइनस अल्फा प्लस बीटा, मेरा 6 दिया हुआ 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है 4 लिख लिए, कहीं भी कोई भी समस्या ना होने वाला, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। बस यही तो निकालना था, और क्या ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप बनाओगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस 4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। अगेन मैं दो क्वेश्चन और दे रहा, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है माइनस 7 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3/4, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये आपको बताना है। हाँ जी चलो अगेन एक लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 9 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। जल्दी बताओगे, तीनों क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अभी तो आप बोल रहे हो भैया अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अगर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की तरह सिर्फ आपको अल्फा दिया हुआ रहे आपको बीटा दिया हुआ रहे तो किस प्रकार आप बनाओगे? तो बोलोगे भैया सुनिए ना, हमको अल्फा प्लस बीटा नाम दिया हुआ, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद हम बनाने वाले भैया। बहुत अच्छा, इसी प्रकार आपको सोचना है समझना है, ओके। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करो, मैं मिटाने वाला, कंप्लीट हो गया होगा। अब हमको जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता अब हम उस पर आने वाले हैं, इसे तनिक भी घबराना नहीं है। अब यहां से मैंने आपको समझना है, अभी तक तो हम सिर्फ समझ रहे थे सीख रहे थे, अब यहां से और आप 10 मिनट और ध्यान दे दोगे आपका एक क्वेश्चन
जो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बनेगा आपसे, परेशान मत होना। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पूछा गया और आपके पास रूट्स दिया हुआ या फिर जीरोज दिया हुआ है तो आप बना के आओगे वहां पर, इस बात को समझ के चलना। चलो यहां ध्यान दोगे, अगर यहां तक अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से क्लास को किए होगे ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हाँ थोड़ा सा भी इधर उधर क्लास करने में आपका हुआ होगा तो समझ लो सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही होंगी, इस बात को समझ के जाना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हाँ आप हर एक चीज को समझो जानो, लेकिन कोई बात नहीं, समस्या आएंगी तो मैं हूं ना बताने के लिए, मैं हूं, आप परेशान मत हो, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे, हम लोग अपने उस क्वेश्चन पर ही आते हैं, सिंपल सा। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, समझना, अब आपको सीखना है, समझना है। यहाँ स्पष्ट कहा गया पहले क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले वो देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्या फाइंड करना है, हमको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहां पर जीरोज दिया हुआ, रूट्स दिया हुआ, क्या है ये 5 - 3√3 दिया हुआ है ना, हाँ जी, हमको जीरोज दिया हुआ है, 5 - 3√2 दिया हुआ है और 5 + 3√2 दिया हुआ है, बस हमको ये सब कुछ दिया हुआ है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला बताओगे, x² - α + β (x + α β), यहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा ना दिया हुआ तो काफी कर ले हम लोग, तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। बताओ क्या है समस्या कोई सा, बिल्कुल नहीं। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, हाँ जी। तो पहले यहाँ लिखोगे क्या ही लिखना है, तो हियर क्या क्या दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है ना, तो लेट माने कि अल्फा क्या दिया हुआ हमको, 5 - √2 दिया हुआ, अल्फा ये दिया हुआ, जैसे जो यहाँ लिखे सेम उसी चीज से हम यहाँ क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है। अल्फा दिया हुआ, बीटा दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ है, क्या है 5 + 3√2, हाँ भैया बिल्कुल सही, ये हमारे सामने प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा दे दिया गया, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो आप बताओगे। भैया हम का ही बताएंगे, हाँ इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, अल्फा का मान पुट करते 5 - 3√2, बीटा का मान पुट करते 5 + 3√2। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता तो हम इसको घेरते हैं इसे, बिकॉज माइनस के कारण टोटल चिन्ह परिवर्तन हो जाता, वरना मैं घेर देता हूँ, आप नहीं घेरोगे तो वो गलती हो जाएगा पूरा का पूरा। ये अल्फा का वैल्यू पुट किए, ये क्या हो रहा है, अच्छा चलो चलिए यहाँ ध्यान दो, हाँ जी, यहाँ 5 - 3√2 हो गया और बीटा का मान है 5 + 3√2। इसको सॉल्व करना है, पहले इसको कोष्ट को हटा, कोष्ट नहीं भी देते काम चलता, बिकॉज यहाँ प्लस वाला है, यहाँ कोई चेंजेज ना होने वाला, प्लस तो चुपचाप शांत रहने वाला, वो तो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, वो क्या ही कर लेगा, वो कुछ ना करेगा, सिंपल से यहाँ 5 - 3√2 है और यहाँ पर प्लस का प्लस प्लस के कारण इसका कोई भी चिन्ह मतलब साइन चेंज ना होगा, तो अंदर का टंग हुबहू आपका बाहर निकल जाने वाला, यहाँ +5 + 3√2 आपका हुबहू बाहर निकल जाने वाला, ये इससे कैंसल आउट हुआ, यहाँ 5 + 5 = 10। बताओ कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना हुआ होगा। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये सब क्वेश्चन मुझे इच्छा नहीं करता बताने का, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, बताओ क्या ही मैं बताऊंगा, 5 - 3√2 × 5 + 3√2। अब इसको सॉल्व करना, अब यहाँ आपको एक चीज भैया जी फॉर्मूला ना आवत है, अरे रे फॉर्मूला ना आवत है, देखो a + b × a - b बोलो या फिर a - b × a + b बोलो, क्या होता फॉर्मूला, ये सब चीज ध्यान में रखना, 3-4 फॉर्मूले आपको ऑलवेज ध्यान में रखना होता है, वो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तो आराम से बनाओगे। पहले नॉट डाल करके कहीं पर लिख लो फॉर्मूले को, लिख लो, देखो फॉर्मूला क्या ही था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये मैं क्या बोल रहा, अच्छा ठीक है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही हम फॉर्मूले को लिखने वाले हैं, कृपया करके फॉर्मूले को याद कर ले। चल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या ही होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा और बीटा की जगह पे हम लोग ए और बी भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज ना करना, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। अगेन 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 अल्फा में अगर स्पीड ज्यादा लग रहा है तो बोल दियो भैया थोड़ा धीरे 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 पढ़ाइए, अगर धीरे धीरे लग रहा है तो बोल दियो भैया थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए। आई एम ऑलवेज रेडी, मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता देना, ठीक, यहाँ ध्यान दोगे। हाँ मैं क्या बता रहा था,
भैया अगर अल्फा माइनस बीटा, इससे तो एक नया क्वेश्चन काफी बार मैंने आपके एग्जाम में देखा होगा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। क्या था फॉर्मूला याद पारो? देखो अल्फा माइनस बीटा को हम लोग अल्फा माइनस बीटा नहीं अल्फा माइनस बीटा एक काम करोगे निकालना तो अल्फा माइनस बीटा होता आपको, आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करोगे ठीक है, और वहां से इसका फॉर्मूला पुट करके इस देखो यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं, समझोगे। यहां पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। यहां पर माइनस टू अल्फा बीटा आता है ना, हम क्या करेंगे इस पूरे वाले टर्म में हम लोग यहां पर फोर अल्फा बीटा घटा देंगे तो ये टर्म निकल जाएगा ना भैया, उतना मत समझे, इस टर्म को फॉर्मूला बताइए हम रट लेंगे रट लोगे चलो ठीक रटो। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। चलो ठीक है, यहां ध्यान दो, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। यह फॉर्मूला हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया हुआ है जो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, स्टार्टिंग में ही देख लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वो हम लोग ज्ञात कर पा रहे थे। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कहे आप, यहाँ पर क्या ही होगा इसको अच्छे से उतार लो। ये सारा क्वेश्चन देखेंगे आज, तभी यहाँ छुट्टी होने वाला ठीक, चाहे समय ज्यादा क्यों ना हो जाए ठीक है, 10 मिनट आप एक्स्ट्रा भी दे दोगे कोई दिक्कत ना है ठीक। आज हमको इस तरह का क्वेश्चन समझाना है, अच्छे ढंग से समझाना है। देखो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए की जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 3√2 है, 3√2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख चुके थे क्या। चलो इसको सॉल्व करते, 25 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर है, 3√2 गुना 3√2, 3 का 3 से गुना 9, √2 का √2 से गुना भैया 2 होगा, इतना बच्चा वाला गुना आप पूछते हो तो 18 हो गया, बताइए भैया यहाँ 18 हो गया, 25 में 18 घटाएंगे 7 हो जाएगा। ओ ये इतना आसान था हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी मेरा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकलेगा? बस यही सवाल पूछने का होता है, इतना हल्का हल्का सवाल, बताओ क्या इसको नहीं बना पाओगे आप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या ही होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा, क्या होएगा बताओगे आप? तो बोलना है फॉर्मूला, बोलना है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस देना, इसमें मैंने काफी लोगों को देखा है गलती करते हुए, उसमें आप शामिल मत होइएगा। हाँ जी अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ ध्यान देना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टेन निकल गया, टेन लिख दिए, टेन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरा सेवन निकला, सेवन लिख दिए, बस यही हमारा इतना तक हमको सॉल्व करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सम, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अरे यार अब कहां से पटक ले, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछने का होता है? मैं 3 और 4 बताऊंगा, ये आप बता दो क्या दो नंबर? अरे ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं है ठीक है, इससे खुद आपकी अच्छा कोई नहीं मैं बता देता, 2016 के क्वेश्चन एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछने का होता, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया वाह बहुत बेहतर क्वेश्चन है, मजा आ जाने वाला क्वेश्चन देख करके, 2015 का भी क्वेश्चन लाजवाब है, और भी ये पूछा गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो वो आप चुन चुन के बना लोगे ठीक है। मेरा मतलब 4 क्वेश्चन लिखते लिखते ये पूरा खत्म हो जाता इसके बाद और होगा लिखने का तो मैं लिख दूंगा, लेकिन आप जब रूल सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का तो बना सकोगे आप, तो मुझे नहीं लगता कोई जोड़े की इस टाइप इसी टाइप का जो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, क्योंकि आप रूल सीख मतलब रूल सीख गए हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बना सकते हो ना। अरे हाँ भैया आपके रूल सिखा दिए, बस हम उसके आगे सारा क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत अच्छे, आपको यही सोच भी रखना है। चलो इसको मिटा दें, हाँ जी इस पे आपको बनाना है, मैं बाद में इसको चेंज करके यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला, घबराओगे नहीं ठीक है, मैं क्वेश्चन जरूर चेंज करूंगा लेकिन वो होमवर्क में होगा। हाँ भैया जी एक क्वेश्चन दीजिए ना और बना लेते, चलो अभी क्या रखोगे, 2 + 3√2 - 3√2 बनाओगे इसको, इसको पहले बनाओगे फिर ये अपने मन से है, ये मत खोजने लगना एग्जाम में तक क्वेश्चन बैंक में कभी ना मिलेगा। चलो यहाँ ध्यान दोगे, 2 + 3√2 और 2 - 3√2 ये बनाओगे आप, आगे ना आगे देखते आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ठीक है, फाइंड करना है, हमको दिया हुआ क्या है, क्या क्या दिया हुआ वो देख ले, जहां पर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर, मतलब ये दिया हुआ है हमको सम ऑफ द जीरोज, ये दिया हुआ है हमको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब सम ऑफ द जीरोज का मतलब समझे हो क्या होगा? अरे मेरे प्यारी बहना सम ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 21/8 ये समझ में आ गया, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 5/16, आराम से हम लोग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ
अल्फा इंटू बीटा दिया होगा तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं निकलेगा? भैया जी इसे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ था तो अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, अल्फा इंटू बीटा निकाले थे, यहाँ पहले से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, क्या ही निकालना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये आप खुद से बनाओगे, ठीक है, ये आप खुद से बनाओगे। मैं बता दूं क्या? ना ना बताने लायक तो ना है, कैसे बनाना है वो देख लो, ठीक, तरीका देख लो। पहली बात यहाँ दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है ये चीज पहले लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ कितना है 21 अपॉन 8 एंड क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है 5/16। इसका मतलब हुआ सम ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैं लिख दूं या समझ जाओगे आप? समझ जाओगे इतना सा, ठीक है। नाउ सिंपल सा फॉर्मूला पुट करोगे, वहां पर आप अल्फा प्लस बीटा में इसका वैल्यू पुट करोगे, अल्फा इंटू बीटा में इसका वैल्यू पुट करोगे, बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब यहाँ पर यहाँ से 10 मिनट तक आपको कुछ ज्यादा ही ध्यान देना है, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा फ्रेश होना जाओ, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, क्योंकि इतना पढ़ने का हो सकता है सर भारी हो गया होगा आपको। अरे मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हुआ हूँ, वो होता है, ठीक है, जले जाओ हल्का पानी में पी लो। उसके बाद हम लोग जो है 3 नंबर और 4 नंबर इसको देखने वाले, बस थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करो ना, आप भूल जाओगे समय कैसे बीत गया, समय का पता नहीं चलता पढ़ाई, मतलब मन लगा के पढ़ने में, ऐसे बेवजह मतलब किसी के दबाव में पढ़ना तब तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ देखो आप 3 नंबर 4 नंबर थोड़ा बेहतर तरीके से देखोगे, समझ में हर एक चीज आएगा, कहीं कोई समस्या ना होने वाला, ठीक है, ओके भैया। देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझोगे ध्यानपूर्वक देखोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल समझो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है, ये हमको बताना है, फाइंड करना है, ठीक है, ये बताना है भैया, ओके। अगेन हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इतना मतलब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कोई एक पॉलीनोमियल, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको दिया हुआ है, और बोला गया है इसका जो जीरोज होगा, इसका जो जीरोज अल्फा और जो बीटा होने वाला, ठीक है, ये अल्फा बीटा का, कैसे समझोगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है, और इसका जो जीरोज होगा, जो भी इसका जीरोज होगा वो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का रेसिप्रोकल होने वाला। अच्छा ये पूछा गया, जैसे अगर मैं कहूंगा ए का रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 1/a होगा, इसको पलट देते हैं, एक नीचे 1 छिपा है ना, इसको पलट देंगे तो मेरा रेसिप्रोकल निकलता है। अगर 6/7 का रेसिप्रोकल कहा जाए तो क्या करोगे आप, 7/6 करोगे, डिवाइड में हम लोग करते हैं, याद पारो 2/6 / 9/2, अगर ऐसा रहता था तो हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे और 9/2 का रेसिप्रोकल क्या करते थे 2/9 होता था, याद आ रहा है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। सेम वही चीज पूछा गया आपसे कि जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है ना, उसका जो भी मेरा जीरोज होने वाला वो इस वाले पॉलीनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल होने वाला। अगर इसका मान लो जीरोज मेरा अल्फा और बीटा है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा जीरोज, 1/α और 1/β, समझ रहे हो, हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करोगे, अगर फिर भी समझ में ना आएगा तो हम कुछ और तरीका लेंगे समझाने का, लेकिन समझा जरूर देंगे, ठीक है, इतना तो खुद पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हाँ आप अपनी तरफ से सीखने का प्रयास करोगे तभी सिखा पाएंगे, यूं ही नहीं सीख पाओगे आप, ना ही मैं सिखा पाऊंगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ क्वेश्चन कहा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमको एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है जिसका जो जीरोज होगा, इसका कुछ जीरोज होने वाला, हमको ना पता इसका जीरोज क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसका जीरोज होने वाला, ये जीरोज जो है रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, ये आपका इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो मेरा जीरोज होने वाला इसका रेसिप्रोकल ये दोनों है, तो हमको ये फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे होगा, तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता, तो सिंपल सा एफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, मतलब इस दोनों का सम करना है 1/α + 1/β, ठीक, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, सोचो क्या ही कर सकते, ऐसे ही बनाओगे ठीक रहेगा। आप बोलोगे भैया
एक काम करो, अगर आपको अधिक दिक्कत हो रहा है, अधिक तकलीफ हो रहा है, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा की जगह सम ऑफ द जीरोज लिख दो, सम ऑफ द जीरोज लिख दो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत ऐसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं, पहले जो हमको दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। हियर क्या क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ है, हियर क्या दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये दिया हुआ, तो अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। देयरफॉर अल्फा क्या निकल गया, अल्फा हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, अच्छा छोड़ो अल्फा बीटा निकालोगे, सिंपल सा अल्फा बीटा निकालेगा कोई तुक नहीं बनता, नहीं निकाल पाओगे। जब भी हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ रहता है तो हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो बताओगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो बताओगे आप, ठीक। ये हो गया, अब हमको जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हमको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, यहां लिखोगे हियर ना, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ अबव पॉलिनोमियल, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, अच्छे से लिखते हैं ना, जो ऊपर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ, यहां से लिखो इसको, देखिए यहां से लेकर के यहां तक लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, क्या रेसिप्रोकल ले लें, अल्फा बीटा माने थे ना, तो 1 बटे अल्फा ले लेते और 1 बटे बीटा ले लेते, रेसिप्रोकल हो गया। हाँ भैया, अब इसके आधार पर इस 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा, इसके आधार पर जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, आराम से हम लोग पहले जो है सम ऑफ द जीरो अर्थात 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा निकालेंगे और 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना है, चल समझोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे निकलेगा बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स मतलब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा। हाँ, यहां तक पहले थोड़ी देर आप शांत हो जाओ, फिर मैं आगे समझाऊंगा, मुझे पता है हल्का हल्का ऊपर जा रहा होगा, कोई बात नहीं। जो इसके आगे का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये हम लोग कल कर लेंगे, कल फिर से मैं इसको भी समझा दूंगा और ये भी हम लोग समझ लेंगे, परेशान नहीं होने का, ठीक है। एक ही चीज को आप 2 दिन पढ़ लोगे तो और बेहतर तरीके से सीख जाओगे, परेशान नहीं होने का, ठीक है। फिर से यहाँ ध्यान दोगे, समझोगे, जानने का प्रयास करोगे। हमको जो है ये एक पॉलीनोमियल दिया हुआ था, जानते हो, अगर मैं चाहता ना इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाता, लेकिन नहीं, क्यों ही करना है ऐसा, आपको समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन हम लोग को बेहतर तरीके से उसे लड़ना है, उसको उसे हार नहीं मानना, ओके। और कंटिन्यू आप कम से कम 1 महीना कंटिन्यूटी दिखाओ ना, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपने सोचा ना होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, बस एक बार किसी तरह पॉलिनोमियल चैप्टर निकल जाए, फिर आसान आसान सा चैप्टर, सब हल्का हल्का चैप्टर है, फिर ठीक है, बहुत हल्का हल्का चैप्टर है, बस कम से कम इस पॉलिनोमियल को अच्छे ढंग से आप पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या, मैं क्या कह रहा था, मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। उसके बाद जो है यहाँ स्पष्ट कहा गया रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना तो वही चीज लिखिए, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा होगा, अल्फा और बीटा माने हैं जीरो, उसका रेसिप्रोकल 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा होगा। जब दो जीरो दो रूट्स आपके सामने दिया हुआ रहे, इस पर आधारित जो है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद जीरो जार 1 बटे अल्फा एंड 1 बटे बीटा, तो क्या ही निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, इस दोनों को जोड़ दिए, इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस पॉलिटी अल्फा इनटू 1 बटे बीटा। बताओ कहीं कोई दिक्कत? अगर अधिक बोलोगे तो मैं यहाँ हिंदी लिखूंगा, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो मेरा काम है इसको निकालना और इसको निकालना, तो यहाँ जो हम जगह छोड़े हैं बस इसी को निकालने के लिए जगह छोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो अगेन, नाउ अगेन हम लोग क्या ही करने वाले, इस दोनों को जोड़ने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू निकालेंगे और 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा का वैल्यू निकालेंगे। इस दोनों का वैल्यू निकालोगे और ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। जल्दी से सारा वैल्यू आप निकालो, इसका वैल्यू हम लोग छोड़े हुए, इसका सब निकालोगे आप एक बार खुद से प्रयास करोगे तो तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला, वरना ऊपर से निकल जाने वाला, ठीक है। अब यहाँ देखोगे अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। हम जानते हैं x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो b बटे a हो जाएगा। हाँ भैया b बटे a हो गया, और माइनस का सिंबल लगा देंगे तो माइनस b बटे a हो गया। अल्फा इंटू बीटा c बटे a हो जाएगा। हाँ जी, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से इसमें डिवाइड किए बचा बीटा, बीटा गुना एक मेरा बीटा हो जाएगा। यहाँ प्लस बीटा से बीटा में डिवाइड किए तो खत्म, अल्फा बीटा से इस अल्फा बीटा में डिवाइड किए बचा अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से तो अल्फा हो गया। अब यहाँ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बोलो एक ही बात है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, माइनस बी बाय ए दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटे ए दिया हुआ। हाँ भैया इसको सॉल्व करना है, क्या ही होगा, माइनस बी बटे ए मल्टीप्लाई ये पलट जाएगा, ए बटे सी हो जाएगा। ये तो सॉल्व करने आता है, ये ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ बचा मेरा माइनस बी बटे सी। चलो ये निकल गया, इसको यहाँ पुट करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अगर यहाँ देखो 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा क्या ही होगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यही करते हैं ना, और क्या ही करते हैं। तो 1 बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी बटे 1 बटे सी बटे सी बटे मेरा ऊपर प्लट जाएगा तो ए बटे सी हो गया। ये पता है ना आपको, नहीं पता अच्छे से देखो, 1 का 1 लिखे गुना ए बटे सी हो गया, ए गुना 1 ए बटे सी हो गया। ये सब अच्छा बच्चे वाली बात है, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो पूछना, मैं अच्छे से समझाऊंगा किस प्रकार मल्टीप्लाई मतलब फ्रैक्शन किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मैं फिर से समझा दूंगा। अगर दिक्कत होएगा तो पूछ लियो। यहाँ देखोगे आप, अब क्या ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू निकाल ले, माइनस बी बटे सी, तो माइनस बी बटे सी इंटू एक्स प्लस इसका वैल्यू निकाल ली ए बटे सी। बस यही आपका सॉल्यूशन था, कहीं कोई समस्या ना था। आज इतना ही क्वेश्चन रखते, मैं इसको चेंज किए देता हूँ, ठीक है। मैं इसको चेंज किए देता हूँ, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए क्विज में, ठीक। हमको चाहिए 1-2-3 क्वेश्चन, 3 में से हमको 3 मार्क्स चाहिए, याद रख रखना है आपको, ठीक है। इसको भी चेंज करेंगे हम अभी, यहाँ पर 6 माइनस 2√2, 6 प्लस 2√2, अगेन यहाँ पर 12/3, अच्छा बंद उसको रहें तो रहें, 6/7 और माइनस 6/7, ठीक है। ये करोगे और यहाँ पर जो है चेंज कर दें, इसको चेंज कर देते हैं, क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बनाओगे और लगना चाहिए हाँ सीखे हो आप, और ट्राई करोगे एक बार तो कोशिश करना बनता है कि नहीं बनता। आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन, ट्राई करने में क्या ही जाता, हाँ ट्राई तो वैसे भी कर लोगे। उधर दिख नहीं रहा क्वेश्चन, क्या देखो तो, अरे दिख रहा है क्वेश्चन, चलो ठीक। अच्छे तरीके से आपको ट्राई करना है, कम से कम ये 3 क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है इसको बना लेना आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, मजा आया क्लास करने में भैया, मजा क्या आने का, हाँ परेशान हो गए भैया, समझ सीखते सीखते क्या ही सिखा रहे हैं आप, हाँ बताइए सब क्वेश्चन पूछने का होता, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, और आप पढ़े भी होगी ये सारा चीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।